किस साइड की बारिश हो रही भाई। सलाम वालेकुम कर दिया इसने, आप लोग वालेकुम सलाम कमेंट में कर देना। आप ये देखो हम व्लॉग बना रहे हैं, वो पीछे से बोलता हुआ जा रहा है चारपाई वन वालों। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ब्लॉग का करते हैं स्टार्ट। तो आज का ब्लॉग कुछ इस तरह से, लाइट गई हुई है और बारिश हो रही है, और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, और अब बारिश बिल्कुल हल्की हो चुकी है। ये सिर्फ 10-15 मिनट की बारिश है, और वो भी कराची में थोड़ी सी 15 मिनट की बारिश होती है, ज़्यादा देर नहीं होती। और अगर एक घंटा होगी तो नाले भर जाएंगे, और नाले भी आपको दिखाऊँ किस तरह से भरते हैं। यहाँ पे तो वैसे ही नाले भरना स्टार्ट हो जाएंगे ज़रा सी बारिश में। हाँ, अगर आप कहीं और जाएं तो वहाँ पे अगर बारिश का मौसम वैसे होना चाहिए, बाहर के मुल्क में बारिश होती है, लेकिन ये कि साफ़ सुथरा माहौल होता है, मुझे यहाँ की बारिश पसंद नहीं है। बारिश होती नहीं है तो नदी बहना शुरू हो जाती है। ऐसा होता हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और व्लॉग तो सुमेरा ने स्टार्ट कर दिया था, और मैं अब हूँ अपनी गली के अंदर, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बारिश हो चुकी है, पानी गलियों में, और बड़ी गंदगी हो रही है। अगर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा पीछे तक, सारी गंदगी हो रही है। यहाँ पर देखें आप, सारी गंदगी हो रही है। अब ये है कि व्लॉग तो हमने कर दिया है स्टार्ट, और हम आ गए थे पहले व्लॉग में पहले ही, क्योंकि हम तो नीचे नहा रहे थे। आपको पता है कि ये बड़ा हमारी गली का जो है ना, एक अच्छा लड़का है। और भाई शाहरुख क्या आ रहा है, सलाम दो, सलाम कर दिया करो पहले। सलाम वालेकुम भाई, सलाम वालेकुम कर दिया इसने, आप लोग वालेकुम सलाम कमेंट में कर देना। आप ये देखो हम व्लॉग बना रहे हैं, वो पीछे से बोलता हुआ जा रहा है चारपाई वन वालों। और शाहरुख ये बताओ, तुम्हारा जानवर नहीं आया इस बार? आया, थोड़ा बिजी है। थोड़ा बिजी है? अरे मीटिंग में बैठा हुआ है क्या? तो गाइस बारिश जो है अभी कम हो गई है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है, कभी भी दोबारा हो सकती है। और ये रहा शाहजन, शाहजन बारिश हो रही है, मज़ा आया आपको बारिश में? और बारिश जो है भाई दोबारा कभी हो सकती है, क्योंकि मौसम जो है अभी भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, बादल अभी भी ज़बरदस्त वाले आए हैं, और कभी भी बरस सकते हैं, क्योंकि हब्स हो रही है। और बाकी कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ में जो है बारिश हो रही है, और बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। अभी मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया था कि वो प्याला होटल पे फंसा हुआ है, चाय पी रहा था, और बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही है वहाँ पे भी। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि बाहर का क्या मामला हो रहे हैं बाहर। भाई एक अभी भाई आए हैं बोरिंग वाले, अब ये देखेंगे कि क्या है इसके अंदर सिलसिला, क्योंकि हम लोग तो यार वैसे एक हफ़्ता तो हो गया, बड़ी परेशानी है। लेकिन अब इंशाल्लाह कुछ उम्मीद की किरणें नज़र आ रही हैं कि ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो ये ख़राब हो जाएगी सारी बोरिंग। हम लोग बोरिंग के बेड़ा गड़क करवा दिए। ये क्या हालत करी है, मोटर निकला है, बोर को पूरा बंद करा हम लोगों ने। अच्छा, और क्या क्या लग रहा है उसमें, और बेड़ा गड़क कर दिया? और क्या, क्या करना पड़ेगा इसका? पहले तो ऐसा नहीं होगा ना? आ? पहले तो ऐसा नहीं था ना ये? पहले इसे कहा था जब मेरे बंदे मोटर डाल के गए थे जिस टाइम पे, ये पूरा केसिंग टूटी हुई है, ये जो ढली हुई 4 इंच वाली पूरे पैन ढल टूटे हुए। हाँ, तोड़ मोटर इसीलिए तो नीचे नहीं जा रही दोबारा, क्योंकि पहले केसिंग डलेगी उसके बाद फिर मोटर डलेगा, मोटर डलेगी। अच्छा, वहाँ से इसका कोई कनेक्शन नहीं, वहाँ से क्लियर है, वहाँ का कुछ भी नहीं है इसका पक्का। हाँ, ये पूरा बोर बिगड़ा हुआ, यहाँ का उधर को क्या करोगे तुम? उधर का क्लियर है? कौन सा वाला? वहाँ का मशीन जो थे वो तो सही है ना, वो मोटर तो हो गई है। अच्छा, मोटर में शाफ्ट का मसला था,
वो करवा लिया, लेकिन जो उसने केसिंग निकाली ना वो तोड़ तोड़ के निकाली उसने। ये पूरी केसिंग अभी केसिंग पूरी डलेगी सही है इसके अंदर और सफाई होगी, मशीन लगनी है, वो बोला था मशीन लग के सफाई होनी है। क्या इसका रद्दअमल है भाई? यही जो आपको मैंने फ़ोन पे बोल दिया इसने यार मामू तो कुछ बोल लेते, वो 15,000 मैंने उसको इसीलिए बोला था। पहले मोहसिन भाई ने मुझे यही बोला, मोटर फंसी हुई है उसको निकालनी है, पत्थर गिर गया उसके ऊपर। रियायत तो होगी बॉस, अभी इसमें 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, 6 दिन भी लग सकते हैं, 1-2 दिन का काम थोड़ा यही है। ये क्या बात कर रहे हैं? और क्या है, 1 दिन की जाड़ी थोड़ी है, 2 दिन की इधर। अच्छा, इसमें 5 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी, 1 हफ्ता भी लग सकता है। तो क्या वैसे इसका, अच्छा ये जो बेड़ा गर्क किया है, ये जो ये पूरा पैंप टूटे हुए हैं, ये क्या है? ये उसने किसने अभी निकाला है? ये पैंप भी देख लो, किसको किसको बुलाया था यार? पता नहीं यार किसको बुलाया इसने, अजीब मुझे तो वो नाई मुछी लग रहा था जिसको ये लेकर आया। जब आप लोग इतना मसला था तो आप मोहसिन भाई को बोलो कि मेरे बंदे आ जाते, जैसे पहले इसको बना के गए। हमें क्या पता, मुझे तो पता ही नहीं था भाई, पता ही नहीं था ना सारी गाली का यार। वो आया ये बिल्डर साहब है हमारे, अल्लाह उनको जजाए खैर दे, उन्होंने तो भाई क्या बोले बंदा, पूरा जमले बोर नए सिरे चलेगा। ये उन्हीं के बंदे आए थे देखने? हाँ उसी का बंदा था। अब उनको बताएंगे भाई आपके बंदे ने बेड़ा गर्क किया इसका, समझे बोर ऐसे सुबह जो हुआ वह समझे नए सिरे काम चलेगा, पूरा नए सिरे से काम होगा, पूरे पैंप टूटेंगे, ये जमा होते जाएंगे, जो कचरा निकलता जाएगा फिर जमा होते जाएंगे फिर निकलता जाएगा। क्या रियायत क्या होगी भाई साहब? ये भी जो है ना मोहसिन भाई की वजह से मैंने बोला हुआ, वैसे जो है ना जैसा ये बोर बना हुआ 50-60 हज़ार हम लोग लेते हैं समझे बोरिंग की, वही खुदा हिसाब होती है। अभी इसका टोटल खर्चा क्या आएगा? इसकी 2,000 की नाली आ रही है, 10 पैंप आएंगे आपको, 20,000 का ये खर्चा है, और 35,000 मेरी हो रही है। तो ये कब से फिर शुरू होगा? 35 और 15, 35 और 20 यानी 55,000। और कुछ कमी पेशी सामान तो आप खुद ले आओगे, इसकी केसिंग वो भी अलग आएगी, वो उसी में तो लगा रहा हूँ, केसिंग बका है मेरी मजदूरी 35, इसीलिए बोल रहा हूँ अभी 1 हफ्ता लग जाए, डीजल कहाँ चले गए, मतलब यार टोटल बताओ ना। टोटल आपको यही बोल रहा हूँ 55 तक 60, 55 तो पक्का ही है आपका खर्चा, 55 पक्का है, हाँ चाहे कुछ भी हो जाए 55 तो पक्का है आपका। 55,000 रुपये की डल आ गई है भाई, ये थोड़ा वीडियो ये बनाया ना व्हाट्सएप पे मोहसिन भाई के पास भेज दो, इसके लिए दिखा दे टुकड़े, उसको फिर समझ आएगी ये क्या है। तो गाइस ये थे आज के झमेले जो आप लोगों ने देखे, और ये झमेला पता नहीं कब तक चलेगा, और हम तो खुद पानी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, और मोटर वाला जो है वो कल आएगा, अब देखो क्या होता है। और तुम कुछ कहना चाहोगे? तो दोस्तों मेरा जो है बारिश में जो है ना, बारिश में मज़ा नहीं आता, इसको पसंद नहीं है, इसको गंदगी कीचड़, तो इस वजह से थोड़ी सी डिसऑर्डर हुई है कुछ ऐसा ही। तो फिर इसी झमेले वाली वीडियो का करते हैं हम एंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी नए और किसी अच्छे ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।